हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। हिंदी पल्लों में हम पार्ट 19 पढ़ रहे हैं। पार्ट का नाम है लिखी पत्र में बातें। लिखी पत्र में बातें बहुत ही सुंदर कविता है और जिसके कवि है सुखदीप उप्पल। तो चलिए सबसे पहले हम शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज हमें अर्थ समझना है इसका, है ना। आप सबने शब्दार्थ कॉपी में लिख लिया ना, शब्दार्थ को। वेरी गुड, चलिए शब्दार्थ को एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। पाती का अर्थ है पत्र, चिट्ठी। पाती का अर्थ पत्र, चिट्ठी। कुलाचे छला, कुलाचे छला। अमराई आम का बाग। मांदर डफली, मांदर का अर्थ डफली था, खुले हाथ से चोट करना, सौगाते उपहार। ठीक है, आपको याद हो गया शब्दार्थ। चलिए अब हम कविता को पढ़ लेते हैं। नाना तुम पाती में लिखना घर आंगन की बातें, नाना तुम पाती में लिखना घर आंगन की बातें। होती वहां गांव में कैसी हर सावन बरसाती, गांधी चरखे पर नानी क्या सूत सवेरे काटे, और बताना भूरी बचिया कैसे भरे कुलाचे। सूखी है अमराई तो फिर कहां के बराते, बिना रोशनी अंधियारे में कैसे काटे राते। ढले सांझ मादर पर क्या कुछ पड़ी पड़े सुहानी थापे, मेलों त्योहारों में क्या जल ढोल बजाकर नाचे। मुझे बहुत अच्छी लगती है भेजी जो सौगातें, पर पढ़ने में प्यारी लगती लिखी पत्र में बातें। अब क्या है, नाती है, वो अपने नाना से कह रहा है। किसे कह रहा है? नाना से। क्या कह रहा है? नाना तुम पाती में लिखना, नाना तुम पत्र में लिख कर बतलाना, चिट्ठी में लिख कर बतलाना मुझे घर आंगन की बातें। घर आंगन में क्या हो रहा है उनकी बातों को लिख कर मुझे बतलाना, कहाँ? पत्र में। होती वहाँ गांव में कैसी हर सावन बरसाते, नाना आप मुझे ये भी बतलाना कि गांव में वहाँ सावन में कैसी बरसातें हो रही हैं, ये भी आप मुझे पत्र में लिख कर बतलाना। तो क्या हुआ इसका? नाना तो पाती में लिखना घर आंगन की बातें। वो नाती है, वो अपने किसे कह रहा है? नाना से कह रहा है कि नाना आप पत्र में चिट्ठी में लिख कर मुझे बतलाना कि घर आंगन की बातें कैसे है, घर आंगन कैसा है, ठीक है ना, ये लिख कर आप मुझे पत्र में बतलाना। होती वहाँ गांव में कैसी हर सावन बरसाते, और ये भी मुझे बतलाना कि वहाँ गांव में सावन की बरसातें कैसी हो रही हैं। गांधी चरखे पर नानी क्या सूत सवेरे काते, क्या नानी गांधी चरखा गांधी जी चरखे को बनाए हुए थे, तो गांधी चरखे पर नानी क्या सूत सवेरे काते, उस गांधी चरखे पर नानी सवेरे सूत काटती हैं। और बताना भूरी बचिया कैसे भरे कुलाचे, और ये भी बतलाना मुझे कि जो भूरी बचिया है वो क्या अभी भी छलांग लगाती है, वो छलांग कैसे लगाती है, वह छलांग कैसे लगाती है। गांधी चरखे पर, क्या नानी गांधी चरखे पर सूत काटती है सवेरे सुबह में, क्या नानी गांधी चरखे पर सूत काटती है। और ये भी बतलाना कि भूरी बचिया छलांग कैसे भरती है। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र में बछिया दी हुई है ना, तो वही कह रहा है, कौन कह रहा है, नाती कह रहा है कि भूरी बछिया कैसे छलांग भरती है, ये भी आप मुझे पत्र में लिख कर बताना। सूखी है अमराई तो फिर कहाँ रुकी बराती, जैसे कि आप लोग जानते होंगे पुराने जमाने में गांव में क्या होता था कि बराते रुकती थी, कहाँ, आम के बाग में बराती रुकती थी। पहले के लोग करते थे ये कि बरात कहाँ रुकते थे, आम के बाग में रुकते थे।
उसी पे नाती कह रहा है अपने नाना से, सूखी है अमराई तो फिर कहाँ रुके बराते, आम का बाग जो है वो सूखा है, सूख गया है तो बराते कहाँ रुकती है। आप पत्र में मुझे नाना ये भी लिख कर बताना कि आम का जो बाग है वो सूखा है तो बराते कहाँ रुकती हैं, बिना रोशनी अंधियारी में कैसे काटे रातें। ये भी जानते होंगे आप कि पुराने जमाने में बिजली की असुविधा थी, बिजली कम होते थे गांव में, है ना, तो वहाँ पे क्या होता था, अंधियारा रहता था रात में। तो उसी पे बच्चा कह रहा है बिना रोशनी के बिना बिजली के अंधियारे में कैसे काटते हैं रात, रात को कैसे काटते हैं, आप मुझे पत्र में लिखकर बताना। ढले साँच मादर पर क्या कुछ मादर का अर्थ डफली, मादर का अर्थ डफली। तो ढले साँच मादर पर क्या कुछ पड़े सुहाने, जब शाम होती है तो डफली पर क्या सुहानी थापे का अर्थ खुले हाथ से चोट करना। क्या अभी भी खुले हाथ से चोट किया जाता है, जब शाम होती है तो डफली पर खुले हाथ से चोट होता है, खुले हाथ मतलब डफली बजता है, थाप पड़ती है डफली पर। मेले त्योहारों में क्या जब ढोल बजा कर नाचे, और क्या मेलों त्योहारों में अभी भी लोग ढोल बजा कर नाचते हैं। आ रही है बात समझ में। मुझे बहुत अच्छी लगती है भेजी जो सौगाते, नाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सौगाते उपहार भेजते हैं, नाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सौगाते उपहार भेजते हैं, जब उपहार आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर पढ़ने में प्यारी लगती लिखी पत्र में बातें, पर मुझे उससे भी अच्छा लगता है, क्या प्यारा लगता है कि पत्र में जो बात लिखी होती है उसको पढ़ने में, जो पत्र में जो चिट्ठी में बात लिखी होती है उसे पढ़ने में मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, आपको अर्थ समझ में आया, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ अर्थ का। नाना तुम पाती में लिखना घर आंगन की बातें, नाना पोता है, नाती है एक, वो अपने नाना से कह रहा है कि नाना तुम पाती में लिखना घर आंगन की बातें, नाना आप पत्र में मुझको लिख कर बतलाना कि घर आंगन कैसा है, जो भी घर आंगन में हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं वो आप पत्र में लिख कर मुझे बतलाना। पोती वहाँ गांव में कैसी हर सावन बरसाते, और वहाँ मुझे ये भी लिख कर बतलाना कि गांव में वहाँ सावन में कैसी बरसातें हो रही हैं। गांधी चरखे पर नानी क्या सूत सवेरे काटे, और क्या सुबह में गांधी चरखे पर नानी सूत को काटती है, और बताना भूल बचना कैसे भरे कुलाचे, और ये भी लिखकर बताना कि जो भूरी बचिया है क्या वो छलांग कैसे लगाती है, जो भूरी बचिया है वो छलांग कैसे लगाती है। सूखी है अमराई तो फिर कहाँ रुके बराते, अमराई जो है आपका बाग वो सूखा है तो बराते कहाँ रुकती हैं, मुझे बतलाना। बिना रोशनी अंधियारे में कैसे काटे रातें, और बिना रोशनी के बिना बिजली के रातें को कैसे काटते हैं, ये भी मुझे लिखकर बतलाना। ढले सांझ मादर पर क्या कुछ पड़े सुहाने थापे, क्या जब शाम होती है तो मादर डफली पर थापे बजती है, डफली बजता है, सुहानी थापे पड़ती है उस पर, खुले हाथ से डफली पर चोट किया जाता है। मेलों त्योहारों में क्या जन ढोल बजा कर नाचे, क्या मेले त्योहारों में जो लोग होते हैं वो ढोल बजा कर नाचते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है भेजी जो सौगाते, नाना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है जो सौगाते जो भी उपहार मुझे भेजते हैं। पर पढ़ने में प्यारी लगती लिखी पत्र में बातें, पर उससे भी प्यारा मुझे क्या लगता है, जो पत्र में बातें लिखी होती हैं उसे पढ़ने में मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। आई होप आप सबको अर्थ समझ में आ गया होगा, कवि है इसके सुख दी ऊपर। हमें क्या सीखता है, क्या शिक्षा मिलती है हमें इस
पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि गांवों से हमें पूरी संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति है, उससे उसका पता चलता है एवं आपसी जुड़ाव का भाव मिलता है। हमारी संस्कृति का पता चलता है और आपस में जुड़ने का भाव मिलता है। हम सभी को गांवों से अवश्य जुड़ना चाहिए और हम सबको गांव से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें हमारी संस्कृति का पता चलता है, ठीक है, और आपसी जुड़ाव का भाव रहता है, भाव मिलता है। तो आज आपको क्या करना है, इस पाठ 19 लिखी पत्र में बातें कविता को पढ़ना है और इसके अर्थ को इस वीडियो से समझना है। उसके बाद आप खुद से पढ़ेंगे और खुद ही अर्थ बोलेंगे। आप चाहे तो अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं या फिर आप खुद में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे कविता को, अर्थ भी खुद ही बताएंगे, ठीक है, और फिर अगली क्लास में हम अभ्यास को करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।